प्रणाम महाराज। नर्मदे यार ये धोनी वाले महाराज हैं। ये देखिए धोनी हमेशा प्रज्वलित रहती है। धोनी ये विशाल हवन सामग्री और ये देखिए अखंड ज्योतियाँ। ये अखंड ज्योति पूरा चांदी का है जी। पूरा चांदी का मंदिर है। अखंड ज्योति और ये कन्या भोज इधर हो रहा है। ये इधर महाराज कन्या भोज करा रहे हैं। ये देखिए भोजन प्रसादी चल रही है यहाँ पर अनवरत इस तरीके से। ये सभी कन्याओं का भी भोजन चल रहा है और जो आगंतुक हैं परिक्रमावासी हैं या जो भी हैं हर भूखे को भोजन सदा व्रत। यहाँ पर सभी सेवक कोई विशेष नहीं जो भी आता है सेवा भी करता है और पुण्य लाभ भी कमाता है अपना। नर्मदे हर आज हम महाभोज स्थान है किनारे साड़िया पुल के पास जी महाभोज स्थान है। यहाँ विराजमान है नर्मदा घाट रेता वाला पाखर वाले बाबा के नाम से भेजता है ये जी। यहाँ पे अभी अनुष्ठान चल रहा है महाराज श्री शिवानंद जी महाराज ढूंढने वाले दादाजी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं विख्यात हैं जी। स्वामी जी का चतुर्मास चल रहा है यहाँ पे। अच्छा तो स्वामी जी का अनुष्ठान स्वामी जी तो लगभग आषाढ़ के महीने में आ गए थे यहाँ पे जी। श्रावण में गुरु पूर्णिमा से स्वामी जी का अनुष्ठान शुरू हुआ था। दो महीने कार्तिक में अधिक मास और श्रावण मास यहाँ अनुष्ठान चला। नित्य अभिषेक हवन तीन टाइम हवन होता है जी और नित्य 51 शिवलिंग पे अभिषेक होता था। अच्छा जी। दो महीने निरंतर रहा जी और प्रतिदिन कन्या भोजन भंडारा होता था। प्रतिदिन शाम को 5 कन्या भोजन होता था जी और रात को 9 आरती के बाद जी 3,000-4,000 आदमी का प्रतिदिन भोजन। अच्छा अच्छा। लगभग 2 तक निरंतर रहा जी। तो इसके बाद में नियम तो गुरु महाराज जी के चलता रहता था फिर हर गुरुवार कन्या भोजन होने लगा जी। अभी नवरात्रों में 9 विशेष अनुष्ठान चला। अच्छा अच्छा। देवी जी की स्थापना की सप्तशती की सत्चंडी पाठ हुआ जी। ब्राह्मण लोग थे 7-8 ब्राह्मण थे जी। दादा दरबार में हवन चला कंटिन्यू। अष्टमी के दिन रात्रि में विशेष हवन होता है। अच्छा अच्छा हवन चला। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह तक 5 तक हवन चला जी जी। इसके बाद दशहरे के दिन फिर माता जी का जवारा वगैरह समापन हुआ। नवरात्रों में 9 महाराज श्री ने प्रतिदिन जी 108 लीटर दूध नर्मदा जी में अभिषेक करते थे। अच्छा। प्रतिदिन जाते थे सुबह के टाइम बड़े ढोल बाजे के साथ में माता जी का अभिषेक करने जी। 9 दिन तक नित्य माता जी रानी का 108 लीटर दूध का अभिषेक किया जी। ब्राह्मण लोग जाते थे पूजन कराते थे अभिषेक करते थे माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नियमित चुनरी भेद करते थे महाराज जी को। यहाँ भी माता जी की चुनरी और माता जी को साड़ी प्रतिदिन महाराज जी हवन में छोड़ते थे। विधि विधान से नवरात्र संपन्न हुए। अभी महाराज जी का अधिक मास चल रहा है चतुर्मास जी। महाराज जी इस दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होगा जी। इसके बाद महाराज जी आगे परिक्रमा के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा अभी महाराज जी परिक्रमा में है। परिक्रमा में महाराज जी ने संकल्प लिया है कि महाराज जी आजीवन परिक्रमा में रहेंगे। लगभग महाराज जी की तीसरी परिक्रमा चल रही है ये। तीसरी परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की एक परिक्रमा करते हैं जी जी। फिर समापन करके भंडारा का फिर दूसरी शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये समापन महाराज जी कहाँ तक में समापन होती है? अमरकंटक में। अमरकंटक से ही उठाते हैं। अमरकंटक से समापन होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी स्थान अमरकंटक में भी है जी जी। दादा दरबार की सेवा करते हैं। दादा दरबार में स्वामी शिवानंद जी महाराज जी
छोटे दादा जी जी महाराज और दुनिया वाला दादा जी। अच्छा जी, तीनों दरबार में विराजमान है जी। नर्मदा मैया विराजमान है जी, दुर्गा जी विराजमान है महाराज जी। इसमें जो अखंड ज्योतियाँ रखी हैं 21 ज्योति अखंड जल रही है 21 जी। पूरे चतुर्मास जब तक महाराज जी चलेगा कार्तिक पूर्णिमा जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे। अच्छा, पूर्णिमा प्रारंभ हुई है जी, इसके बाद महाराज जी जहाँ साथ जाते हैं फिर वहाँ चलती रहती है। अच्छा अच्छा, जहाँ जहाँ महाराज जी साथ चलते रहेंगे करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, महाराज जी का शुभ परिचय। महाराज जी शिवानंद जी नाम से परिचित है महाराज जी का, शिवानंद जी महाराज है जी। पर दादा दरबार के सेवक हैं, दादा दरबार दादा जी के नाम से जानते हैं, दादाजी के सेवक जी, धोनी वाले बाबा महाराज, वाले बाबा, धोनी वाले बाबा जी। ये अनुष्ठान चल रहा है तो ये कन्या भोज उसी, ये कन्या भोजन दादाजी का भी चलता है हमारे, ये परंपरा अपने स्थान पे स्थान के लिए लगभग 3 वर्ष से जी। अमावस्या पूर्णिमा कन्या भोजन होता है। अच्छा जी, वो कोई भगत कराए अथवा नहीं कराए तो अपना आश्रम की सेवा करती है। अच्छा अच्छा, हमारे ये निश्चित है होना कन्या भोजन जरूर है, जरूर है। हमारे महाराज श्री विराजमान है जम्मू वाले महाराज जी, लाल बाबा जी जी बापोली धाम में जी जी, पुण्य अनुष्ठान चल रहा है उनका, लगभग 13वां वर्ष चल रहा है। आश्रम की सीमा से बाहर नहीं जाते वो, आश्रम की सीमा से बाहर नहीं जाते, 13 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो महाराज जी का आदेश है क्योंकि आदेश अनुसार ये बिल्डिंग बनी, महाराज जी का आदेश से यहाँ व्यवस्था सब चल रही है। तो यहाँ पे कन्या भोजन महाराज जी का आदेश है बापोली धाम में, और यहाँ अमावस्या पूर्णिमा महीने में 2 बार कन्या भोजन होता है, होता है। जो भी भगत जगत आते हैं दर्शनार्थी आते हैं और कन्याओं का बहुत बहुत सुंदर लगा, और आपके दर्शन करके तो सौभाग्य, मतलब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं। धन्यवाद। ये धोनी वाले महाराज हैं, और देखिए भक्त उनसे कुछ अपना पूछते हैं तो उसका उपचार भी बताते हैं। आजीवन नर्मदा जी की परिक्रमा का व्रत ले रखा है, और ये इनकी 3री परिक्रमा है महाराज जी की। और इधर भंडारा तैयार हो रहा है जो अभी कन्या भोज हुआ है। ये नर्मदे सूर्यदेव को पहला तुम्हारा महाराज जी बैठे, ये वो भंडारा तैयार हो रहा है कन्या भोज के लिए जी। इधर देखिए भोजन तैयार हो रहा है, और ये नर्मदा जी देखिए ठीक पीछे नर्मदा जी बह रही हैं। दस में हरिद्वार कुंभ गए, हरिद्वार कुंभ के बाद में हम लोग गए वहाँ से सीधा दामोदर कुंड। अच्छा, नेपाल, नेपाल हाँ, गंडकी नदी दामोदर कुंड। हाँ हाँ, मैं गुरु महाराज जम्मू वाले महाराज जी के नाम से बजते हैं, जम्मू वाले महाराज जी लाल बाबा। अच्छा, उनका पूरा नाम, और हमारे महाराज जी के गुरु भाई थे, हमारे काका गुरु थे ओमकार दास जी ब्रह्मचारी। अच्छा अच्छा, काशी वाले जी, वो मैं महाराज जी तीनों साथ में।
अच्छा अच्छा दामोदर कुंड की यात्रा की हम लोगों ने। दामोदर कुंड में गए, शालिग्राम भगवान वहाँ से लेके आए। अच्छा, इसके बाद फिर जयपुर गए, जयपुर में कुछ उनके यंत्र तैयार करवाए। यंत्र तैयार करवाने के बाद में फिर जाके हम बापोली महाराज जी पहुँचे। अच्छा, इसके बाद महाराज जी का 2010 को महाराज जी ने भड़रिया नामे की तिथि थी, उस दिन महाराज जी ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। अच्छा अच्छा, तो लगभग 12 वर्ष का था, मतलब अभी 2 वर्ष और बढ़ गया। हाँ। तो 13 वर्ष पूर्ण होगा ये नवराज भड़रिया नामे निकली है ना। हाँ हाँ, गुरुपूर्णिमा पर, गुरुपूर्णिमा पर सातवें महीने में महाराज जी के 13 वर्ष हो गए, 14 वर्ष चल रहा है। अच्छा अच्छा, 14 वर्ष का है महाराज जी का। हाँ। 14 वर्ष के बाद महाराज जी आगे जो प्रक्रिया बनेगी। अच्छा अच्छा, ये 24 के बाद में अब ठाकुर जी क्या आदेश करते हैं आगे। अच्छा, महाराज जी की इच्छा है कि मैं फिर से नर्मदा परिक्रमा करने के बाद अनुष्ठान प्रारंभ किया था जी, अब पुनः उठने के बाद नर्मदा परिक्रमा करूँगा, फिर पैदल नर्मदा परिक्रमा। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ ठाकुर जी इच्छा होगी, ये स्थान तैयार करवाया है हमारा, ये परिक्रमा वासियों की सेवा का उद्देश्य बनाए। अच्छा, तो यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए रुकते हैं। महाराज सर ने आदेश से अभी लगभग 3 वर्ष हो गए जी, तो यहाँ पे अपन कंटिन्यू जो भी दर्शनार्थी परिक्रमा वासी आता है यहाँ से निकलता है जी, सबके लिए चाय नाश्ता भोजन बिहारू टोटल व्यवस्था है, सबके लिए रहने की सोने की खाने की। अच्छा अच्छा, सब व्यवस्था है जी। और यहाँ पे जब दिसंबर से लेके दिसंबर में कुछ सबक लोग आ जाते हैं नासिक से जी, जी महाराष्ट्र से जी, और कुछ लोग पुणे से जाते हैं जी, कुछ अपने भगत जगह से जाते हैं जी, ऐसे 8-10 लोग रहते हैं और नियमित रूप से परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, करते रहते हैं, और वो सेवा ठाकुर जी कृपा से निरंतर जब तक परिक्रमा चलती है तब तक चलती है, चलती रहती है। शिवरात्रि के बाद जी वो लोग निकल जाते हैं, बाकी जो क्षेत्रीय लोग सेवा करते रहते हैं। तो इसके लिए महाराज ये मतलब दानदाता कुछ आगे आते हैं या अभी तो आसम... ऐसा है भैया जी, ठाकुर जी कृपा से महाराज जी का आदेश से व्यवस्था चल रही है जी, ऐसा कोई विशेष अनुदान यहाँ हमारे यहाँ इस आश्रम से कोई आय का स्रोत नहीं है। अच्छा अच्छा, आश्रम आकाश वृत्ति पे है जी, हमारे यहाँ आय का स्रोत 2 रुपए नहीं है। हाँ। और ठाकुर जी जिसको भेज दें जैसी व्यवस्था चला दें वो चल रही है, पर ठाकुर जी चला रहे हैं अपने यहाँ बापोली धाम जो आश्रम है जिससे संचालित है ये जी, वहाँ जरूर अपना एक ट्रस्ट है, शिव सत्संग विकास सेवा समिति के नाम से ट्रस्ट है। अच्छा, वो उसको ट्रस्ट को हमारे महाराज श्री अध्यक्ष है जी, जम्बल महाराज श्री अध्यक्ष है, उस ट्रस्ट को चला रहे हैं। अच्छा, वहाँ गौशाला पाठशाला धर्मशाला जी 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 वहाँ चल रही है, उसी की शाखा एक मांगरोल है। अच्छी व्यवस्था चल रहे हैं। कैसे हैं प्रसादी, हो गई भोजन, हो गए जी। अच्छा अच्छा, और अपना नीति आयोग CRS, अच्छा अच्छा, SCG, रेलवे सबसे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, मगर ठाकुर जी कृपा से जो जिसको करना है करता है, करता है। चला ही राजेश, बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी हर तरीके से मान्यता प्राप्त है जी जी, उसमें अपने पास में 120 धर्मार्थ कार्य अपन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है। हाँ।